तो गाइज अभी बजे हैं शाम के 3 और मैं हूँ अपने टेरिस के ऊपर यानी कि छत के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है और मेरा फाइनली गूगल का एडसेंस पिन है जो वो मेरे घर तक आ चुका है। इसके ऊपर मैंने कोई भी पहला वीडियो नहीं बनाया था, आज मैं वीडियो इसके अंदर बना रहा हूँ। मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं पड़ा जबकि मेरा टैक्स रिलेटेड मेरा चैनल है जिसपे मैं यूट्यूब की ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आज बताते जाए कि गूगल एडसेंस पिन कब आता है और इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में फाइनली गूगल का एडसेंस पिन है। ये कब आता है मैं आपको बता दूं, जब आप एक नया चैनल बनाते हैं उस पर जब 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं और 4000 घंटे का मिनट वॉच टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है यानी कि पार्टनर प्रोग्राम के अंदर YPP के अंदर आ जाता है। उसके बाद में जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है जब वहां पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हमें अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है गूगल एडसेंस का। जब हम लोग बैंक वगैरह वहां पर लगा देते हैं ना उसके बाद जब हमारे $10 गूगल एडसेंस के अंदर हो जाते हैं तो हमें एक अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है जिससे हम गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई करते हैं। ये गूगल किस लिए करता है मैं आपको बता दूं, ये इस चीज को वेरीफाई करता है कि आप इस एड्रेस पे हो या नहीं हो, ये मतलब इस एड्रेस पे कोई बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये बताता है गूगल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है वो भी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। यदि आप यूट्यूबर हो तो आप जानते होंगे यूट्यूबर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, मतलब कितना इसकी वजह से ही पेमेंट रुक जाती है काफी बंदों की जिसके पास में जिसके घर नहीं आ पाता। ये 3 बार अप्लाई करने का ऑप्शन देता है यूट्यूब, यदि 3 बार में अप्लाई नहीं हुआ तो फिर एक ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है जिसके अंदर में एक OTP टाइप का होता है, जैसे मैसेज आता है ना OTP, ठीक इस तरह से होता है। मैं आपको खोल के दिखा दूं, ये इस तरह से पैकिंग में साथ आता है, देख सकते हो यहाँ पर लिखा गूगल एडसेंस पिन और इधर की साइड में एड्रेस लिखा होता है सारा कुछ। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा है गूगल एडसेंस, यहाँ पर एड्रेस वगैरह। ये मेरी सिस्टर के नाम पे जबकि मैं 18 साल का नहीं था जब मैंने अपना चैनल ओपन किया था, तो फाइनली मेरे पास में आ चुका है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसे खोल के दिखा देता हूँ। फाइनली मैंने 2-2 मंगा लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल एडसेंस है, ये मैंने पहले से ऑलरेडी फाड़ लिया है, ये यहाँ से फाड़ते हैं इस जगह से, इन्हें फाड़ने के ऑप्शन भी दे रखा है तो मैंने पहले से फाड़ लिया था। और यहाँ पर मेरा सब कुछ है, देख सकते हो क्या 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 आता है इसमें। देखो यहाँ पर लिखा है गूगल एडसेंस पिन, ये आप देख सकते हो बारीकी के साथ, मैं आपको दिखाऊं जरा गूगल एडसेंस पिन, और ये पोस्ट के थ्रू आता है। ठीक है, यहाँ पर मुमताज खातून मेरे विलेज का नाम और फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा पिन कोड भी है। ठीक है, ऊपर लिखा है गूगल एडसेंस। तो ये इसे इसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, जब हमारे $10 फाइनली हो जाते हैं ना उसके अंदर हमारे यूट्यूब के गूगल एडसेंस में, तो इससे हमारी अर्निंग आती है। अर्निंग कैसे आएगी, हमें इसे वेरीफाई करना होता है। यहाँ पर देख सकते हो ये वेरीफाई कोड दे रखा है, जैसे OTP होता है ठीक इस तरह से इस कोड को उसके अंदर डालकर इसे वेरीफाई करना होता है। जब हमारा गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाता है या हमारे $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो यूट्यूब जो है हर 21 तारीख को हमारा पेमेंट हमारे बैंक के अंदर भेज देता है और उसे 3 से 5 दिन लगते हैं हमारे बैंक तक आने में, क्योंकि यूट्यूब का जो करेंसी है वो डॉलर में है। ठीक है, US का है यूट्यूब बना हुआ यानी कि यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो करेंसी US में होती है, जैसे हमारे INR में होती है, तो उसे INR में बदलने के लिए कम से कम 4-5 दिन ले लेते हैं बैंक। वो बैंक की सर्विस के ऊपर बात होता है कि बैंक कैसा बैंक है तुम्हारा, ICICI बैंक है और जल्दी करेगा, PNB बैंक है और थोड़ा लेट करेगा। जैसे मेरा पैसा जो है 5 दिन लग जाता है कम से कम आने में। तो आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।